सोच रहा है तो वो 18 इयर्स का डिप्रेस होगा, ये रियलिटी पॉइंट है। और डिप्रेशन हटाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, 18 इयर्स के बाद आप पहले किसी ऐसे मेंटर को पकड़े जो मेंटर आपको आपके ड्रीम की तरफ ले जाएगा। एक्चुअली आपने मेंटर नहीं पकड़े, मेंटर इज नॉट टीचर एंड प्रोफेसर, मैं पहले ही बता दूँ, मेंटर वो पर्सन होगा जो इनके अलावा तीसरा होगा। उस पर्सन से आप अपने ड्रीम गोल की तरफ पहुंचने का आप अगर समझेंगे तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अभी भी नहीं मेंटर है तो मेंटर पकड़ो, मैं पहले ही बता दे, ये तो फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताए। देखिए क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आकर्षण ने पूछा है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आकर्षण का ये कि भाई जो लोग जॉब प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं और जॉब छोड़ के आते हैं, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है अपने अपने एमपी में, जबलपुर में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जॉब प्रेशर हैंडल करने के लिए बनते नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही आप 12th पास करके कॉलेज में जाते हैं, आपको प्रेशर हैंडलिंग मैकेनिज्म अपने दिमाग में डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब और बिजनेस प्रेशर का दूसरा नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए क्या करें, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे को मेंटर्स ढूंढे, कोई अच्छे वीडियोज आप देखें, कुछ ऐसे पर्सन को देखें जैसे ब्रह्म कुमारी जो है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, या अपने जबलपुर बहुत सारे सेंटर्स है, आप अगर इनको ज्वाइन करें ना तो इनसे भी आपको ना काफी मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी हर जगह सेंटर्स है, ठीक है। वैसे तो आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सब एजेड लोग जाकर रिटायर्ड लोग जाते, नहीं जवान लोग भी जाते, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो दिमाग में आती है ना। तो ऐसे कुछ बड़े संस्थाओं से आप ज्वाइन करें, मेंटर्स को देखें, वीडियो सुने, जिससे आपका मैकेनिज्म आप कैसा बन जाए कि आप प्रेशर को हैंडल कर सके, और प्रेशर हैंडल करोगे तो लंबे समय तक रह जाओगे। प्रेशर तो हर जगह है, प्रेशर तो सिर्फ एक ही जगह नहीं है, जगह खत्म हो जाती है, बाकी प्रेशर सब जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताओ। एक्चुअली क्या है, मैं एक चीज आपको बता रहे हूँ, अभी यहाँ पे अगर सिर्फ इंग्लिश की बात अगर छोड़े और इंग्लिश के साथ एक और प्रॉब्लम भी आप देखेंगे, कोई भी प्रोफेशन में मास्टरी करने का भी इंसान को यहाँ पे जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, अगर ध्यान से देखें। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कोई भी चीज तब अच्छे से सीखते हो जब आपको एक आग लगी होती है अंदर में कि मुझे कुछ बेहतर करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर नौकरी भी उसी की लगती है जो एकदम पागलों की तरह उसके नीचे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे इंग्लिश सीखने की प्रथा तब ज्यादा अच्छी होगी जब बच्चा जो है ना वो पहले तो अपने अंदर एक आग लगाए कि मुझे उस सेक्टर उस पोजीशन में पहुंचना ही है, मुझे बैंगलोर में अगर जॉब करना है तो मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, पर बैंगलोर में जॉब करना है मैंने बैंगलोर में ही मुझे जॉब करना है, मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में पहुंचना ही है। तो अगर आपके अंदर उस पर्टिकुलर कंपनी में पहुंचने की आग अगर लग जाएगी तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश क्या आपकी सब कुछ आप सुधार लोगे। एक्चुअली क्या है, पहली बात भूख नहीं है कुछ करने की, सिर्फ हमने टारगेट करके बैठे कि करना है ना हो तो भी चलेगा। पहले पागलपन लाए, पागलपन आता है तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश भी सीखेगा, बंदा पे फिटनेस पे भी ध्यान रखेगा, रोज रनिंग भी करेगा, वॉकिंग करेगा, टाइम से सोएगा, मोबाइल कम चलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पहले पानी की इच्छा तो हो, अगर पानी की इच्छा ही नहीं तो क्या करेगा सर। हमारे यहाँ पे क्या लोग पानी की इच्छा नहीं, आप इंदौर चल जाए, रायपुर में चल जाए, रायपुर में मैंने देखा आप लोगों के बच्चा बच्ची खूब ज्यादा वहाँ पे इंग्लिश का यूज करते हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखते हैं, बॉडी पे फिटनेस पे ध्यान रखते हैं। मैं तो रायपुर में जब गया तो वहाँ पे तो स्टेशन से बाहर गया तो वहाँ पे लोग वहाँ पे योगा कसरत सब करते रहते हैं, यहाँ पे तो कई बहुत कमों का देखते हैं, वहाँ पे एकदम पार्क बनी हुई बहुत सारे रायपुर में। इसका रीजन क्या था, रीजन से ये था कि वहाँ के लोग आगे बढ़ने चाहते हैं तो अपने शरीर को फिट करते हैं, अपनी बॉडी परसेंटेज फिट करते हैं, हम आगे नहीं जा रहे बढ़ते, इसलिए मार खाते। तो इच्छा जगाओ, इंग्लिश का दुनिया के सब चीज सीख जाओ, इच्छा तो जागे। देखा सीखी भी करते हैं अपना क्या करना है ये तो डिसाइड करो,
खुद के मन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। नहीं बात देखो, अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी तक हमें पहुंचना पड़ता है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने बात करे इशिता विश्वकर्मा जी, इशिता विश्वकर्मा जी सेकेंड रनर, ठीक है, फादर की हाल ही में डेथ हुई थी उनकी, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती इंडियन आइडल में? क्या इंडियन आइडल ने उनको फोन किया था कि आपका पापा रहे नहीं? तो मैं हम आपको बुलाना चाहते हैं कि वो खुद गई इंडियन आइडल में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उस स्टेज में जहाँ पे पिताजी रहते नहीं, वो तो कभी मैं भी खुद जानता हूँ क्या होता है उस स्टेज में। एक लड़की होकर मुकाबले की उसी ने दी थी और वह इंडियन आइडल में पहुंची और सेकंड रनर अप ले लिया, तो अपॉर्चुनिटी आई थी कि वो उसने खुद ग्रैब किया, ग्रैब किया। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं एक्चुअली, क्या हम लोग को ग्रैब करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें माइंडसेट को बदल दो। माइंडसेट में अगर आपका वो 1960 का दशक बसा हुआ है कि 1960s में जो चीज़ पापा ने कर लिया वही मैं करूँगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी कुछ हटके सोचना पड़ेगा आपको, आपके अपने पेरेंटल बिजनेस से, पेरेंटल जॉब से हटके सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपको। अगर इशिता विश्वकर्मा के पिताजी जो थे वो रिकॉर्डिस्ट आए थे, मुझे ठीक से पता नहीं है, रिकॉर्डिस्ट आए थे, लेकिन लड़की ने सिंगर का सुना, अगर वो भी रिकॉर्डिस्ट बनकर रह जाती तो आज वो भी अपॉर्चुनिटी ना मानती, वही बैठती है रिकॉर्डिंग करती रहती। उसने सोचा मैं सिंगिंग में जाती हूँ, तो उन्होंने पूरा कैरियर को बदला, कैरियर बदला तो उसको नए लाइनिंग मिलने लगी, नई लाइनिंग मिलने लगी तो आगे बढ़ने लगी। आपने पापा की वर्क को ना दी, पापा रेलवे में, आप रेलवे में नहीं जाओ, आप साइड चेंज करो। मैंने भी साइड चेंज की, मेरे पिताजी रेलवे में थे, मैंने साइड चेंज करी टीचिंग वर्क पर। लोगों ने कहा कि भैया घर के पढ़े लड़के पापा की नौकरी ले लो सबसे अच्छी है, बस लाइफ सेट नहीं करनी, मुझे कुछ हटके करना है, मेरे छोटे वाले भाई ने भी हटके किए। हमने फादर के ऑक्यूपेशन को नहीं पकड़ा तो हम लोग की अपनी एक आइडेंटिटी बन गई, अगर पापा की ऑक्यूपेशन पकड़ते तो आज पापा की नौकरी तो मैं कब की ले चुका हूँ। तो लाइन चेंज करो, फादर की लाइन को चेंज करके निकलोगे तो कुछ नया मिलेगा, थोड़ा परेशानी होगी लेकिन आपके अपनी आइडेंटिटी तो बनेगी कि हाँ अपने दम पे उस लाइन में कुछ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।